सिमरन करने के 26 तरीके अगर ये मन में बसा लिए, फिर देखना कैसे धुन सुनाई देती है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपको मेरा प्यार भरा राधास स्वामी जी। गुरुमुखो, हम सबको भजन सिमरन करने का हुक्म है। भजन सिमरन करने के सही तरीके क्या क्या हैं, इसकी युक्ति और विधि संत महात्मा हमें नामदान देते समय बताते हैं और समझाते भी हैं। वैसे तो हमें पता है, हमें सब कुछ बाबा जी महाराज ने समझाया है कि कैसे कैसे भजन सिमरन करना है, कैसे कैसे भजन सिमरन में मुकम्मल होना है। तो गुरुमुख प्यारेओ, इस साखी को आज आरंभ करने से पहले आप जी से बेनती करूंगा कि अगर आप ये साखी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं, और ऐसी ही साखियां और सत्संग सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं। पहला जो भजन सिमरन करने का तरीका है वो है, सिमरन हमेशा छुपकर करना चाहिए, खुद को ढक लेना चाहिए ताकि हमें कोई देख ना सके और हम बिना किसी बाधा के सिमरन कर सके, क्योंकि हमें कोई दिखावा नहीं करना है, हमें मालिक चाहिए, दुनिया नहीं। दूसरा तरीका, सिमरन सुबह 3 बजे उठकर जहां तक संभव हो सके हमें नहा धोकर करना चाहिए। नहाना देखो इसलिए जरूरी होता है ताकि हमारे शरीर में सुस्ती ना आ सके, और कोई खास कारण नहीं है। तीसरा, रात को भोजन संयम से करना चाहिए, और हम रात को भी सिमरन कर सकें क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी। कोशिश करें कि शाम 6 या 7 बजे से पहले पहले खाना खा लें। 6 या 7 बजे से पहले पहले इसलिए कहा जाता है ताकि आप स्वस्थ भी रहेंगे और नींद भी नहीं आएगी। चौथा, खाना हमेशा शाकाहारी और हल्का फुल्का होना चाहिए ताकि शरीर बीमारियों से बचा रहे और हम बीमार ना पड़े। पांचवा, हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा। छठा, प्रेम प्यार करें, मोह नहीं। इसलिए वाणी में भी कहा गया है, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, जिसने प्रेम किया है उसी ने मालिक को पाया है। सातवां, अपने अंदरूनी रहस्यों को कभी किसी को ना बताएं, इससे आपकी ही दौलत कम होगी। इस दौलत का तात्पर्य रूहानी दौलत से है, जो हम सतगुरु द्वारा प्रदान किए हुए नाम की कमाई द्वारा प्रदान करते हैं। आठवां, क्रोध को कोसों दूर रखें। क्रोध और सिमरन ये दोनों ही एक दूसरे के उलट हैं। नौवां, सतगुरु का चिंतन हमेशा करते रहें, एक पल के लिए भी नाम को ना भूलें। दसवां, संयम से काम लें, पराई स्त्री पर कभी भी नजर ना रखें, ये आपकी वर्षों की कमाई हुई दौलत को मिट्टी में मिला सकता है और आपको पीछे भी धकेल सकता है, इसलिए इससे आप बचें। ग्यारवां, आप कभी भी किसी से गिला शिकवा या शिकायत ना करें, जो मिल रहा है या मिलेगा वह सब आपके कर्मों का नतीजा है, और किए हुए कर्मों से तो भगवान भी नहीं बचा सकते। विवेक से काम लें और थोड़ा सोचें। इसलिए वाणी में भी फरमाया गया है, कर्मों आपो अपनी, के नेड़े के दूर, कर्म जो जो तू करेगा भुगतना वही भरना। बारवां, नियमित सत्संग सुने, सबको प्रेम करें, पर कभी भी नास्तिक के साथ बहस ना करें, उसकी संगत कम करें। तेरवां, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, वो नए समाज की आधारशिला हैं, अपना योगदान दें। चौदवां, रोज अपने वक्त में से 2-2.5 घंटे भजन सिमरन के लिए निकालें। अगर आपने नया नया नामदान लिया है तो
तो धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते जाएं और भजन सिमरन करते जाएं। पंद्रमा, रोज रात को खुद को पूछें कि आज आपने क्या अच्छा काम किया, इससे आपको दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेगी और आपकी तरक्की आसान होगी। सोलमा, आप भजन सिमरन पर बैठने से पहले 15-20 मिनट अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करें, फिर सिमरन आरंभ करें। यदि अंतर में गुरु का स्वरूप या कोई तारा दिखाई दे तो उसी पर ही अपना ध्यान टिका दें, और यदि कुछ भी दिखाई ना दे तो अंतर में अंधकार को देखते हुए ही सिमरन करते रहना चाहिए, अपने ध्यान को एकत्रित करना चाहिए। स्तारमा, जब अंतर में द्वार खुले तो सिमरन को ना छोड़ें, ध्यान तीसरे तिल पर रखें। जब द्वार खुलना शुरू होता है तो अंतर में कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, परिणाम ये होता है कि अभ्यासी सिमरन को छोड़कर दृश्य देखने लग जाता है। ये सरासर गलत है। जब कोई दृश्य अथवा रूप दिखाई दे तब ना तो सिमरन छोड़ना चाहिए और ना ही अपने ध्यान को तीसरे तिल पर से हटने देना चाहिए। इससे आपका शरीर पूरी तरह खाली होगा और अभ्यासी अंतर में टिक सकेगा, तभी तो असल स्वरूप के दर्शन हो सकेंगे। 18वां, अपनी सूरत को बाहर के पदार्थों से हटाकर अंतर में लगाना जरूरी है। प्रसन्नता की अनुभूति एकाग्रता का चिन्ह है, परंतु शरीर स्थिर होना चाहिए। सारा ध्यान और चेतन शक्ति का रुख केवल तीसरे तिल की ओर होना चाहिए। शरीर की ओर ध्यान ना दें। अगर कोई गति या हिल डुल हो तो उसे ना होने दें। संत महापुरुष हमेशा फरमाते हैं कि वह अभ्यासी बड़ा ही भाग्यशाली होता है जिनको अंतर में गुरु के स्वरूप की झलक दिखाई देती है। जब आप सुरत को अधिक दृढ़ता से टिका पाएंगे ना, तो आप अंतर में गुरु के अधिक से अधिक स्पष्ट तथा पूरे दर्शन कर सकेंगे। 19वां, जिस बिस्तर पर आप रात को सोते हैं उस बिस्तर पर बैठकर भजन सिमरन बिल्कुल ना करें। भजन सिमरन हमेशा जमीन पर बैठकर और छोटी सी गद्दी या चद्दर लगाकर करना चाहिए। इससे आपको आलस नहीं आएगा और आप अपने भजन सिमरन को भरपूर समा दे पाएंगे, क्योंकि अगर आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर बैठकर आप भजन सिमरन करने लग जाएंगे तो नींद नहीं करने देगी। इसलिए जमीन पर बैठकर बहुत ही अच्छा भजन सिमरन होता है। 20वां, भजन सिमरन पर बैठने से पहले अपने मन को सारी इच्छाओं से मुक्त कर देना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर भजन सिमरन पर नहीं बैठना चाहिए। इच्छाओं को मुक्त करके ही अपने सतगुरु का नाम लेना चाहिए। अगर आप किसी चीज की इच्छा रखकर भजन सिमरन कर रहे हैं तो आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, आपको व्यापार नहीं करना है, आपको सतगुरु से प्रेम करना है। 21वां, अपनी मनमति से या अपनी मर्जी से सिमरन ना करें। जैसा आपके सतगुरु ने तरीका समझाया है, उसकी विधि समझाई है, वैसे ही सिमरन करें, अपनी मनमानी ना करें। 22वां, आप याद रखें, जब आप भजन सिमरन करने बैठेंगे तो आपका मन इधर उधर भागेगा। कुछ गलत विचार आएंगे, कुछ अच्छे विचार आएंगे, कुछ दुखी यादें ताजा होंगी, कुछ अच्छी खुशी भरी यादें भी ताजा होंगी, परंतु आपको अपना मन भटकने नहीं देना है। आपको अपने मन को स्थिर करना है और तीसरे नेत्र तीसरे तिल पर टिकाना है। यदि फिर भी बात ना बने, मन लगे ना लगे, बस बैठे रहो। हजूर जी फरमाया करते थे, और हर रोज लगातार करो, लगातार। 23वां, वैसे तो आप कभी भी भजन सिमरन कर सकते हैं, परंतु ये समय जो सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 बजे का है,
इसे अमृत वेला कहा जाता है। जब हमारी सूरत पूरी तरह से जागृत होती है, सुबह सिमरन करने का फायदा ये भी है कि आपका पूरा दिन अच्छा निकलता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरी रहती है। इसलिए सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ सिमरन अति उत्तम समय वाला होता है और पूरा दिन शरीर में एक नई ऊर्जा भरी रहती है। 24वां, कभी भी मन में किसी के लिए द्वेष की भावना रखकर सिमरन ना करें। अपने सतगुरु के हुक्म पर चलने से पहले अपने सभी द्वेष को सुलझा लें। किसी के बारे में मन में द्वेष रखना आपको अपने भक्ति पद से दूर ले जा सकता है। इसलिए सबसे प्रेम करें, हमेशा खुश रहें और नकारात्मक ऊर्जा को अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। 25वां, जितना हो सके एकांत में ही सिमरन करें, सबके सामने सिमरन ना करें। इससे आपके मन में अहंकार की वृद्धि होगी। लास्टवां यानी 26वां, किसी को दिखाने के लिए सिमरन कभी ना करें। इससे मात्र आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। याद रखें, सिमरन का मकसद अपने अंदर से खुद को ढूंढना है, ना कि किसी बाहर वाले को प्रभावित करना है। इससे जितना हो सके बचें। तो गुरुमुख प्यारेओं, आप जी सभी को ये 26 तरीके अपने मन में वसा लेने हैं। वैसे तो हमें गुरु जी महाराज ने भी, हमारे बाबा जी महाराज ने भी बड़े बखूबी तरीके से समझाया है कि भजन सिमरन कैसे करना है। अगर आप इन नियम व शर्तों को अपने ऊपर लागू कर लेंगे तो देखना आपको धुन कैसे सुनाई देती है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, मन लगे ना लगे लेकिन बैठो जरूर। जो ख्याल आते हैं आने दो, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, कुछ ताज़ा होंगी यादें, कुछ पुरानी यादें ताज़े होंगी, कुछ नई यादें आएंगी। तो जो होता है होने दें, आप उठें मत, बस बैठें, अपनी ड्यूटी समझकर, अपना फ़र्ज समझकर। अगर आप ये पूरी साखी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट nisvarsewa.com पर भी जा सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐसी साखियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर सकते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।